गाइस इट्स मी अक्षता। सो आज नहीं मैं कॉमेडी वीडियो बनाने जा रही हूँ और एनी चैलेंज फिल्म। सो आई एम गोना टेक यू टू माय फादर बर्थडे। इट्स अ व्लॉग एंड आज मैं मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज कल 1 जुलाई है एंड दैट्स माय फादर बर्थडे। एंड अभी मैं ऊपर शूट कर रही हूँ बिकॉज पापा नीचे ऑफिस से आ चुके हैं, लॉकडाउन में भी उनका ऑफिस जाना होता है। तो मैंने प्लान करा था कि मैं व्लॉग करूँ एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मेक केक। सो आई एम गोना शो यू, इट्स अ वीडियो ऑफ रेसिपी टू द केक। सो अगर आपको ये यूज़फुल लगे, जैसे कि आपको पिज़्ज़ा वाली, मेरे में बहुत कमेंट्स आए थे पिज़्ज़ा वाली वीडियो में कि हाँ ये हमने ट्राई करा और इट्स रियली वेरी यमी। सो काश ये भी आपको बहुत यमी लगे ये केक की रेसिपी। सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गो। मतलब मेरे भैया का भी गृह प्रवेश है कल, सो पापा उसके बाद मैं बिजी होंगे आज उसकी प्रिपरेशन में। तो इट्स यूजफुल फॉर अस एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। हम कहीं बाहर से भी केक ला सकते थे बट उसमें मज़ा नहीं आ रहा और ऊपर से लॉकडाउन है तो कोरोना की वजह से। चलो लॉकडाउन तो खुल चुका है हमारे यहाँ पर, तो इट्स नॉट बिग डील, बट रिस्क क्यों लें। तो फीलिंग से बनाते हैं केक, सो लेट्स गो। तो पापा है नीचे टीवी देख रहे हैं हॉल में, सो जल्दी से हम लोग केक की तैयारी कर लेते हैं। एंड सो सबसे पहले हमें एक ओवन का कंटेनर लेना है, तो मैंने लिया है एक कंटेनर एंड जो भी हमारे घर पे अवेलेबल थे बिस्किट्स, जैसे हाइड एंड सीक, ओरियो एंड हर्शी सिरप फॉर सम फ्लेवर एंड मैरी गोल्ड एंड सम बारबन बिस्किट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने हाफ पैकेट हाइड एंड सीक बिस्किट का डाल दिया, तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे पैकेट 3 पैकेट ओरियो के डाल रही हूँ। Now I will add bourbons and marigold. आप लोग आपके हिसाब से डाल सकते हैं जो बिस्किट आपके घर पे अवेलेबल हो। निकल ही नहीं रहा। अब हम इसको क्रश कर लेंगे और वी कैन ग्राइंड इट इन द मिक्सर। सो लेट्स ग्राइंड इट। So now we will do it small pieces, then it will be easy to grind. So now we will shift these biscuits in the jar and now we will grind it. Now ye grind ho chuka hai, ab we will add 1 cup of milk. You can add more. और ये पीछे से जो भी आवाज़ आ रही है वो हमारी दाल बाटी बन रही है आज बिकॉज भैया का फास्ट है। सो एंड वी विल ग्राइंड इट 1 more time। सो नाउ वी विल ऐड 1 spoon ऑफ बेकिंग सोडा। अगेन वी हैव टू ग्राइंड इट। सो दूध कम पड़ी है और वो पेस्ट अभी भी थोड़ा टाइट है। सो अब मैं दुकान पे जा रही हूँ पेस्ट वो दूध लेना। अब हमने इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर दिया है और भैया बिल्कुल सैनिटाइज करके और अच्छे तरीके से धोकर दूध की थैली को लेके आए थे एंड नाउ वी विल ग्राइंड इट। तो अब हम इस पेस्ट को इस कंटेनर में डाल देंगे और आप देख सकते हैं कितना क्रीमी है। अब इसमें थोड़ा सा मिल्क, बिल्कुल थोड़ा सा मिल्क और ऐड करके इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर देंगे। हम ये केक ओवन में बनाएंगे, आप चाहे तो गैस पे भी बना सकते हैं। अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, हम इसको साइड में रख कर सबसे पहले इस ये ओवन का कंटेनर है, अब हम इस पर बटर लगा देंगे अच्छी तरीके से। अब हम बटर पेपर लेकर इसको इसमें प्लेस कर देंगे। अब बटर पेपर के बाद थोड़ा सा और बटर इस पर हम लोग प्लेस कर देंगे। Then we will add this mixture. अब इस पेस्ट को हम लोग इसमें डाल देंगे। Now हम जल्दी से इसको ओपन कर देंगे एंड वी विल बेक इट बिकॉज पापा आ चुके हैं तो धीरे बोल रही हूँ मैं। हाँ तो
फाइनली हमारा केक बन चुका है। ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट हमने इसको बेक करा है माइक्रोवेव में। और आप लोग फॉक्सेस में छेद करके देख सकते हैं, अगर वो इजीली प्रेस होकर घुस रहे हैं अंदर तो इट विल बी फाइन एंड इट इज बेक। तो अब इसको टॉपिंग करते हैं और ये जो आवाज आ रही है वो मेरी भतीजी की है, तो मैं उसको लेके आती हूँ। तो ये है मेरी भतीजी। अच्छा काट देंगे तो? एक्चुअली बहुत लेट हो चुका है और उसकी मम्मा पूजन में बैठी है, तो फॉर द टॉपिंग आई वॉज नॉट हैविंग मच थिंग, सो आई विल डेकोरेट इट विद द हर्शीज सिरप। सो और अगर ये क्रैक्ड भी है तो भी इट्स फाइन, बिकॉज हर्शीज सिरप अगर उसमें जाएगा तो इट विल लुक नाइस। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, बट पापा भी भाई और के गृह प्रवेश में वहाँ पर हैं, तो अभी भी पूजा चल रही है एंड द टाइम राइट नाउ इज 11 o'clock जस्ट होने ही वाले हैं। सो अभी भी बहुत टाइम है, मुझको नींद आ रही है, बट वी विल हैव फन विद अशोक बिकॉज वो भी नहीं सोने वाली। तो मैं मिलती हूँ 12 बजे। तो पापा जैसे आएंगे वैसे हम लोग केक कटिंग कर लेंगे एंड दैट इज द सरप्राइज। सो लेट मी शो यू द कार्ड विच आई हैव मेड फॉर माय Dada. So let's go. मैंने बिल्कुल छुपा के रख रखा है बिकॉज पापा मेरे रूम में आते हैं। सो ज्यादा कुछ था नहीं, तो मैंने सिंपल सोबर एंड द फ्रंट इज लुक लाइक दिस। बस ये सिंपल सोबर सा कार्ड जो मेरे को पता है पापा को बहुत अच्छी लगती है क्रिएटिविटी थी, एंड ये पूरा मतलब पेज मैंने पापा के लिए खुद के मन से लिखा है ना कि गूगल से। सो आई विल लीव इट इन द स्टोरी, तो प्लीज स्टोरी शेयर करना ना भूलें। सो यस, थोड़ा सा पढ़ के दिखाती हूँ मैं। बिहाइंड एवरी ग्रेट डॉटर इज अ ट्रूली अमेजिंग डैड एंड एज यू आर नो मैटर वेयर आई गो इन माई लाइफ बट यू आर द ऑलवेज नंबर वन मैन इन माई लाइफ। लव यू पापा। अगर आप ये ब्लॉग देखोगे, ऑब्वियसली आप ब्लॉग देखोगे, तो आई लव यू द मोस्ट। यू आर माई इंस्पिरेशन, यू आर माई मोटिवेशन एंड यू आर माई एवरीथिंग। तो या बिल्कुल छुपा के रख रखा है बिल्कुल। तो पापा का वेट करते हैं और छत पे चलते हैं, कुछ बहुत अच्छी हवा चल रही है। लेट्स गो टाटा। सो इट्स ऑलरेडी 12:01 एंड एज यू कैन सी, तो जल्दी से पापा को सरप्राइज करते हैं। पापा हम जस्ट रूम में गए तो केक लेके आते हैं, फिर लेट्स गो एंड सरप्राइज पापा। पहले मम्मी को बुला के आते हैं। मम्मा इसलिए फाइनली हम चलते हैं, कॉपीराइट से बचते हुए हम सॉन्ग नहीं चलेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने शूटिंग चल रही है, चलो जल्दी से बाल्टी करो। सो वी विल कट द केक नाउ। कैसा लगा केक? लाइक कर दो। हैप्पी बर्थडे टू यू।
कैसे आएगी? मैं बनाती हूँ। आप नहीं आओ तो किसी को नहीं लो। आजा अच्छे से बैठ जा। So guys, go and check out my Instagram and follow me on that also at @lightthestory. So for the latest updates and my bloopers, go and follow me on Instagram. अभी हो रहे 12:13, so मैं अब सोने जा रही हूँ because आज मैं बहुत थकी, तो मिलती हूँ मैं कल। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं अभी उठ के आई हैव टेकन शावर एंड मैंने ब्रेकफास्ट अब मैं करूँगी, मैंने करा नहीं है, और फिर देन वी विल गो टू आर भैयाज हाउस एंड डू मस्ती। मेरी बहनें अभी तक नहीं आई है गाँव से, तो आई एम वेटिंग फॉर देम अंटिल आई विल ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंगरी। So hey guys, it's the next morning and we are chilling out in the swimming pool. We are all the cousins and my all sisters are here. So we just to fill it up and enjoy. So agar aapko ye vlog acha laga ho to hit the like button and subscribe to my channel. And today's shout out bhi main aapko bata deti hu. So yeah, today's shout out goes to first hashtag Akshu Farm, Dishita. Second shout out goes to hashtag Akshu Farm, Jyoti from Tamil Nadu. Third shout out goes to Akshita. Fourth shout out goes to Khushi. Thank you all. And the special comment I will leave it here. So uska comment pura read karna. Thank you so much for your love and support. I'm always grateful. So that was the shout out. So next video tak ke liye bye.